गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर परिवार के साथ खुश होंगे, यही कामना करती हूँ। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं कहाँ आई हूँ तो गेस करिए। तो मैंने से बताया था ना कि अभी शादी आने वाला है मेरे भाई का, मेरे चाचा का लड़के का शादी है। तो उस अभी शादी में हम लोग को गाँव जाना है, मई में ही जाना है। तो बस अभी 10 दिन और बाकी थे, 10-15 दिन तो हम लोग को जाना था। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ना कि बच्चे लोग के लिए ना गर्मी का कुछ कुछ कपड़ा ले लूँ, जो भी हल्का फुल्का कपड़ा, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि अभी ननद का शादी हुआ था ना, तो बहुत सारा हम लोग ठंडे के अकॉर्डिंग ना बहुत ज़्यादा हैवी हैवी कपड़े ले लिए थे, जो अभी इस टाइम में ना यूज़ उतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत जो भी हमारा मतलब जो फंक्शन होता है उसमें तो पहन लेंगे लोग, लेकिन डेली यूज़ के लिए मुझे अलग से लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हैवी हैं, बच्ची लोग का भी फुल है, मतलब मैंने बहुत सारा कपड़ा ठंडे के मतलब शादी में ठंडा में जो शादी था ना, इस वजह से मैंने अलग टाइप के भी कपड़े ले लिए हैं, और वो सब अभी ना फिर पहना नहीं पाऊँगी। तो चलिए कुछ गर्मी के अकॉर्डिंग बहुत सारे मतलब यहाँ पे कलेक्शन थे, और इस मॉल में आने से क्या होता है ना, थोड़ा बच्चे लोग को भी स्पेस मिल जाता है, वो लोग खेलते हैं, तब तक मैं आराम से अपना ना जो भी शॉपिंग है वो आराम से कर पाती हूँ। तो यहाँ पे आराध्या और अब खेल रहे थे, तब तक मैं आराम से भी शॉपिंग भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो भी हमारा जो कलेक्शन था ना वो सब गर्मी के अकॉर्डिंग था, तो इस वजह से एक आराम मिल जाता है ना कि सब मुझे बताना नहीं पड़ता कि कैसे कपड़े निकालिए, मुझे कैसे चाहिए। तो मॉल में आने के बाद मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोग के लिए, मैं अपने आराम से सब कुछ देख के मिला के कैसे क्या लेना है, अपना जो भी देखना है साइज वगैरह ये सब ट्रायल करके आराम से अपना सुकून से मैं आराम से देख के और ले लेती हूँ। तो आज मैंने बस बच्चे लोग के लिए जो भी मेरे गर्मी का जो कपड़े थे वही सब मैंने कुछ कुछ लिया, जो अभी मतलब गांव जाएंगे ना वहाँ ना बहुत ज़्यादा वेदर अभी गर्मी हो रखा है, तो बस हल्के हल्के कपड़े लिए हैं, ज़्यादा मैं मतलब हैवी नहीं कपड़े लूँगी, बस हल्का फुल्का जो भी कपड़ा था वो सब ली। और हम लोग को भी कुछ कुछ लेना था तो वो सब मैं आप लोग को घर चल के दिखाऊँगी मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर अध्यापक देख सकते हैं अपना खेलने में व्यस्त है। तो चलिए शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो लगातार इस ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, और घर चल के भी मैं अपना शॉपिंग जो भी है वो सब आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा लगभग शॉपिंग हो चुका था, और अध्याना बाबू और बहन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो कुछ कुछ हम लोगों ने फोटो भी क्लिक कर लिया है, और जब मैं डबिंग करती हूँ ना बच्चे लोग इतना ज़्यादा शोर करते हैं ना, मैं कुछ भी अच्छे से नहीं दिखा पाती। यहाँ पे देख सकते हैं इसका 92 था इस छन्नी का रेट, बस 59 में हमें मिला, और कुछ कुछ पे ऑफर भी था जिसको हम लोगों ने लिया है, मैंने कुछ कुछ दिखाया भी है वीडियो में, कुछ कुछ मतलब ऑफर में था तो उससे हम लोग
मुझे जो ज़रूरत था किचन के लिए वो सभी मैंने लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद हल्का हल्का धूप हो गया था, मतलब हमारे यहाँ तो धूप कम था आज, बट यहाँ थोड़ा सा धूप ज़्यादा था। तो चलिए आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं, तो फिर आप लोग से मिलते हैं। तो लगातार इस ब्लॉग में जुड़े रहिएगा और घर चल के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। फ्रेंड्स, शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं घर और आके हम लोग आराम से कोला पी है, जूस भी पी है, और ये क्या खरीदी हो? तो आराध्या कोला कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम तो वहीं पे खा ली, और चिप्स खरीदी थी कि मैं घर जाके खाऊंगी, तो आते ही रास्ते में ही सो गई। और वेदर अभी बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रखा है, थोड़ा सा बाहर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ देखिए वेदर, अभी शाम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बस हवा भी हमारा बहुत तेज तेज चल रहा है, बादल भी गरज रहा है और मौसम बहुत ठंडा था। इसी वजह से हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि थोड़ा सा शॉपिंग करने जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो अंडाल में मॉल वगैरह नहीं है, बाजार तो है बट मॉल नहीं है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मॉल में क्या होता ना कि अभी गर्मी के सीजन में ना बच्चे का कपड़ा ना, हाँ तो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, इस वजह से हम लोग वहीं गए थे। अध्याय कपड़ा क्या क्या खरीदाया है? तो बस यही स्टाइल बाजार से ही हम लोग जितना भी शॉपिंग था वो सब हम लोगों ने बच्चों के लिए और इनके लिए जो भी अभी गर्मी के जो भी कपड़े हैं वो सभी हम लोग खरीदे हैं। चलिए झटपट दिखता नहीं, देखते हैं थोड़ा बहुत, फिर बाद में क्या होता है नहीं दिखता पर। हाँ वो पापा का है, तो ये इन लोग के लिए पैंट है, ये सब टी शर्ट सब गर्मी के अकॉर्डिंग ही मैंने खरीदा है। अध्याय के लिए बहुत सारा टी शर्ट भी खरीदा है, ऐसा टी शर्ट एक कितना खरीदी हूँ अध्याय, 4 टी शर्ट खरीदी हूँ। और ये आरफ का, ये भी आरफ का, ये आराध्या का, तो ये सब गर्मी के अकॉर्डिंग ही, और इनके लिए 2 टी शर्ट ली हूँ। तो गर्मी के लिए ही सब कपड़े भी खरीदाए हैं, क्योंकि गर्मी में हर साल इन लोगों के कपड़े जो भी पिछले साल के होते हैं सब छोटे हो जाते हैं। अच्छा, तो बस गर्मी के अकॉर्डिंग ही जो भी अभी हम लोग को जाना है शादी में, भाई की शादी में जैसे बताया कि आ रहा है, मई में ही शादी है तो बस एक वीक बाद जाना है, तो मुझे तो अपने लिए कुछ ज़्यादा खरीदना नहीं, क्योंकि मेरी ननद का शादी हुआ है तो बहुत सारा कपड़े भी मेरे पास हैं, मुझे नहीं खरीदना है, और कुछ कुछ सामान मुझे खरीदना है, तो वो सब मैं आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। फिर से शॉपिंग करने जाऊंगी, अभी नहीं, भैया जगेगा तब, शेयर करके खाते हैं ना भैया से, तो इंतज़ार करिए, अभी आराम नहीं जगा है, तो जब जगेगा तब वो दोनों खाएँगे। बार बार बोलिए खोलने के लिए, मैं बोली भैया अभी जगेगा तब खाना, ठीक है। तो यहाँ पर बस वही गर्मी के जो भी कपड़े वगैरह थे ये सभी हम लोग खरीदे हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा, बस स्टाइल बाज़ार में हम लोग कुछ कुछ कपड़े खरीदे, उसके बाद थोड़ा सा और एक जगह और गए, उसके बाद हम लोग चले आए। और बस दोपहर का टाइम था तो ज़्यादा मैं बाहर का भी, अच्छा और खरीदा है, तो दोपहर का टाइम था तो ज़्यादा बाहर का कुछ खाने का मन नहीं था, मैं घर पर ही लंच वगैरह बना के गई थी, अभी बाहर का नहीं खा रही हूँ, तो आप लोग भी 32 बार के साथ बाहर का जो भी खाते हैं थोड़ा कम कर दीजिए। मैंने भी कोल्ड ड्रिंक्स पिया, ये सब तो मैं पी हूँ, बट अभी दोपहर में खाना बना के गई थी इसलिए घर पे ही आके हम लोग लंच किए, उसको अरेस्ट किए, तो हो चुका है शाम और मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा अभी लोगों को बाहर थोड़ा सा यहीं पे घर के पास ही थोड़ा सा घुमा देती हूँ, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो जाएगा, तो दिया बत्ती अब टाइम होने से पहले ही आरब को भी अब जा रही हूँ जगा देने। तो यही शॉपिंग था, भाई का शादी आने वाला है तो वहाँ भी गाँव भी जाएंगे, ये सब लगातार ब्लॉग एक बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो आप लोग भी बाहर का खाना, मतलब जो भी बाहर का हम लोग खाते हैं ना वो थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि मुझे बाहर हम लोग हमेशा तो नहीं खा पाते हैं, लेकिन कभी भी जाते हैं थोड़ा बहुत खाते हैं, तो किस तरह से कम कर सकते हैं। मैं तो अभी कोल्ड ड्रिंक्स ये सब मतलब जो भी जूस वगैरह ये सब ज़्यादा पी लेती हूँ अगर बाहर जाती हूँ, तो काफ़ी टाइम से गुपचुप भी मैंने नहीं खाया, उस टाइम मेला भी गई थी तब भी मैंने गुपचुप नहीं खाया था। हाँ, और आध्या ने कुछ कुछ सामान खरीदा है, पता नहीं वो सब रखी हुई है अभी, तो मैं भी कपड़े ये सब निकाली थी रखने के लिए इन लोग के कपड़े, तो मैं अभी रख दूँगी, तो आराध्या दिन भर लेके वो थैला घूमते रहती है। लकड़ी का चीज पूरा टूट जाएगा लकड़ी का काठी बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, रख दो सारे कपड़े, नहीं तो आराध्या फिर से सबको स्टार्ट कर देगी छीटना। आराध्या तुम्हारा सब कपड़ा इधर उधर हो जाएगा, तुम अपना कपड़ा समेट के नहीं रख सकती, ये गर्मी के लिए बहुत कंफर्टेबल एकदम से,
मुलायम मुलायम कपड़े। मुझे क्या है ना कि मॉल वगैरह मैंने एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है, बच्चे लोग का सारा कपड़ा मिल जाता है, और गर्मी के अकॉर्डिंग अभी सारा कपड़ा ही निकाला है। फिर मुझे दुकान में ना बहुत जगह जाना पड़ता है, और मॉल में सब कुछ एक ही जगह मिल गया, इनके लिए मिल गया, और मुझे अपने लिए भी कुछ कुछ लेना था, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। अभी आगे मैं अपने लिए कुछ कुछ खरीदूँगी, छोटा मोटा सामान है जो, वो सब तो शादी में जाने से पहले खरीदना ही पड़ता है, तो वो सब खरीदूँगी। वो भैया का है बेटा, रख दो, भैया का आपका ये वाला, तो आपका 4 टी शर्ट है, वो भी भैया का है, किसका है ये, किसका है ये, किसका है ये, तो आराध्य का है, अभी नहीं पहनना ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का कर देती हूँ, मिलती हूँ ऐसे ही एक नए ब्लॉग में। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। जय माता दी।